गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। चलिए तो हम पार्ट दो पढ़ रहे हैं, परिवारों का आना जाना। ये हमारा पार्ट आज बच्चों बिल्कुल पूरा हो रहा है, बिल्कुल आखिरी पार्ट है। आखिरी पार्ट का पार्ट दो का आखिरी लेक्चर है, फाइनल है हमारा। तो आपको इससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर कराए गए हैं वो आप अपनी कॉपी में ज़रूर करके रखिए, किताबें ले लीजिए। आप बोर्ड क्लास के विद्यार्थी हैं इसलिए पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए। आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आपके परीक्षा में ज़रूर काम आएगा, इसलिए आप लापरवाही नहीं करेंगे। अब हम बिल्कुल आखिरी चैप्टर का आखिरी हिस्सा है, पेज नंबर 12। इसमें आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, आपको बताने हैं। मैं यहाँ से पूछ रही हूँ और आपको उनके उत्तर बताने हैं। आपने पाठ पढ़ा है तो आप ज़रूर बता सकते हैं बच्चों। देखिए, पता कीजिए। उससे पहले आप देखिए बच्चों, पेज नंबर 11 एक बार पलट लीजिए। हमने पढ़ लिया था बांध बनने के कारण लोगों को घर क्यों छोड़ना पड़ता है। यदि आपको नई जगह बसाने की जिम्मेदारी दी जाए तो आप क्या क्या करेंगे। अब देखिए, आपको एक बॉक्स सा दिया गया है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात बताई गई है कि आजकल हमारे जीवन में हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहले लोगों की आवश्यकता, पहले के जो लोग थे उनको केवल, पहले के लोगों की जो आवश्यकता थी वो क्या थी? रोटी, कपड़ा और मकान। जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग थे, दादा थे, नाना थे या ताऊ जी थे, तो उनकी आवश्यकताएं केवल क्या थी? रोटी, कपड़ा और मकान, अच्छा खाना पीना, अच्छा पहनना ओढ़ना और पूरे परिवार को एक साथ बढ़िया अच्छे मकान में रखना। केवल इतनी, क्या क्या? रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन आवश्यकताएं थी। लेकिन अब आजकल आधुनिक दौर है, ज़माना बदल गया है, तो अब क्या क्या चाहिए सभी को? अब लोगों को आवश्यकता है रोटी, कपड़ा, मकान की तो है ही, रोटी भी चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए और पहनने के लिए कपड़े चाहिए। लेकिन उच्च शिक्षा, अच्छी शिक्षा, रोजगार और सुख सुविधा, यानी कि अब जो चाहिए आजकल के हम लोगों को या आप लोगों को, तो क्या चाहिए उनको? कौन कौन सी आवश्यकता हो गई? पढ़ाई लिखाई, पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। फिर रोजगार, अच्छा काम धंधा होना चाहिए, अच्छी नौकरी होनी चाहिए। फिर उसके बाद में अच्छा जीवन, सुखमय जीवन और पूरी सुख सुविधाएं। पूरी सुख सुविधाएं मतलब अच्छी लाइट वाइट होनी चाहिए, घर में टीवी वगैरह होनी चाहिए, हमारे पास वॉशिंग मशीन वगैरह होनी चाहिए और खाना बनाने के लिए भी हमारे पास ओवन वगैरह है या अच्छे अच्छे इंस्टॉलमेंट जो आते हैं, वो सभी सुख सुविधाओं वाली जीवन चाहिए। इस अब क्या कि जो लोग शहरों में रहते हैं तो इतनी सुविधा मिलने के बाद भी वह अपने पैतृक गांव को नहीं भूलते, यानी अपने गांव का जो वहां जो रहे हैं, वहां उन्होंने जन्म लिया है, उनके जो पुराने घर हैं, गांव में खेत खलियान हैं, उनको वो नहीं भूलते, याद करते हैं और समय समय पर वहां जाते हैं। आप लोग भी जाते हो ना, दिवाली पे गांव जाते हो, होली पे गांव जाते हो, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए इतनी सुख सुविधाएं शहरों में, हर तरीके की सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी हमें हमारे गांव की याद ज़रूर आती है, हम अपने गांव ज़रूर जाते हैं। तो इस कारण लोग पैतृक जगह छोड़ अन्य जगह पर रहने लगे, यानी जहां सुविधाएं मिलती है तो वहां लोग रहने लग जाते हैं। चलिए अब देखिए, इसमें एक प्रश्न बनता है। क्या प्रश्न बनता है? मैंने यहाँ लिखे हैं, आपने डूंगरपुर ज़िले के बारे में पढ़ा था, पीर फखरुद्दीन विश्व प्रसिद्ध दरगाह के बारे में पढ़ा था, तो इसमें से जो तीन प्रश्न थे वो मैंने अब कराए हैं। पहले मैंने केवल दो ही प्रश्न कराए थे, आपको ये भी करने हैं। क्या स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने कौन से हैं? ये प्रश्न आते हैं बेटा, एग्जाम में आते हैं। स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने कौन कौन से हैं? स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने गलियाकोट कस्बे के जैन मंदिर व सोमनाथ मंदिर स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने हैं। मतलब जो गलियाकोट है, तो गलियाकोट का कस्बा है, वहाँ पर जैन मंदिर बना हुआ है, वहाँ सोमनाथ का मंदिर बना हुआ है, तो ये जो मंदिर हैं दोनों, वो स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने हैं। शीतला माता का मंदिर
कौन से जिले में है? अब शीतला माता का मंदिर कहाँ है बच्चों? कौन से जिले में है? डूंगरपुर जिले में। कहाँ पर है? डूंगरपुर जिले में। बांध बनने से लोगों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? मैंने बताया था ना कि बांध बनने से लोगों को उनकी ज़मीन जो है वो डूब क्षेत्र में यानी पानी के भराव में आ जाती। जैसा कि आप देखिए ये चित्र भी दिखाया गया है किताब में, तो ये बिल्कुल चित्र में देखो सभी के घर पानी में डूब गए हैं। इसलिए वह लोग क्या होते हैं, अपने ज़मीन से विस्थापित यानी ज़मीन को छोड़ देते हैं और दूसरी जगह जाकर रहने लगते हैं। बांध बनने से लोगों को ज़मीन से विस्थापित होने की समस्या का सामना करना पड़ता है। यानी बांध बनता है, वहाँ ज़मीन जो डूब क्षेत्र में की बार बार पानी भरता है, तो सरकार वहाँ क्या बना देती है बच्चों? बांध बना देती है। और बांध बनाने से लोगों को दूसरी जगह जाकर रहना पड़ता है। फिर देखिए, मैंने ये प्रश्न आपको भी बताया था कि वर्तमान युग में लोगों की क्या आवश्यकताएं हैं। पहले के लोगों की क्या आवश्यकताएं होती थी? रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन अब लोगों की क्या क्या आवश्यकताएं हैं वर्तमान युग में लोगों की आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और सुख सुविधा हो गई है। यानी वर्तमान युग में रोटी, कपड़ा, मकान ये तो चाहिए ही, लेकिन उसके अलावा अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा यानी हम स्वस्थ रहें, बीमार नहीं पड़ें, फिर रोजगार, अच्छा काम धंधा, नौकरी वगैरह, फिर सुख सुविधा यानी पूरी सुख सुविधा चाहिए। फिर देखिए प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है, लोगों के विस्थापन के क्या क्या कारण हैं? विस्थापन यानी जमीन छोड़ने के, अपना घर मकान जहाँ वो रहते हैं या वहाँ जहाँ उनका गांव है वो बांध बनने से उनको छोड़ना पड़ा, तो वो क्या क्या कारण है, बांध क्यों बनाए जाते हैं, ये मैंने आपको करा दिया है। अब विस्थापन के निम्न कारण हैं। विस्थापन यानी एक स्थान को छोड़ के दूसरी जगह, दूसरे स्थान पर जाकर घर बनाकर रहना, तो क्या क्या कारण है? प्राकृतिक आपदा, बाढ़ आना, सूखा पड़ना। संतु का परिवार अपना गांव छोड़ के दूसरे अपने भतीजे के गांव चला गया था ना, क्यों? क्योंकि वहां पर सूखा यानी अकाल पड़ गया था। फिर विकास कार्य, बांध बनना, विकास कार्य यानी सरकार बांध बनाती है, पेयजल, सिंचाई और बिजली बनाने की व्यवस्थाएं करती है, तो बांध बनाती है, तो ये विकास कार्य हो गया, इसलिए बांध बनाए जाते हैं, तो लोगों को वहाँ से अपने घर छोड़कर, अपना खेत खलिहान छोड़कर दूसरी जगह जाकर रहना पड़ता है, इसी को विस्थापन कहते हैं। फिर है अस्थाई निवास। अस्थाई निवास मतलब जो किराए पर रहते हैं। अस्थाई निवास मतलब जो किराए पर रहते हैं, उनके खुद के घर नहीं होते हैं, तो वह बार बार घर बदलते हैं, तो वो विस्थापित होते रहते हैं। फिर निरक्षरता यानी कि जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो इधर उधर घूमते रहते हैं, एक जगह नहीं रहते हैं। उसके अलावा बेरोजगारी, अच्छा काम धंधा नहीं होता है, नौकरी वगैरह नहीं होती है, तो वह एक जगह नौकरी करते हैं तो दूसरी जगह चले जाते हैं, वहाँ से नौकरी छोड़ के फिर दूसरे शहर में, फिर दूसरे कहीं दिल्ली चले गए, कभी मुंबई चले गए या जयपुर आ गए, तो ऐसे बार बार जगह बदलते रहते हैं। फिर लोहार जाति के लोग, जो लोहार जाति के लोग होते हैं बच्चों, उनकी परंपरागत वे विस्थापित हैं, मतलब वह कभी भी घर बनाकर नहीं रहते हैं, कभी वह अपनी गाड़ियों में रहते हैं, कभी वह कहीं पर भी तंबू तान के, त्रिपाल तान के रहने लग जाते हैं। तो लोहार जाति के जो लोग हैं वो क्या क्या काम करते हैं, वो लोहे के बर्तन बनाते हैं और लोहे के खेतों के औजार बनाते हैं। तो लोहार जाति के लोग कभी भी घर बनाकर नहीं रहते हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह बदलते रहते हैं। ये बच्चों 4-5 पॉइंट मैंने यहाँ लिखा दिए हैं, 5 प्रश्न आपके ये हो गए हैं। हर लेक्चर में मैंने 4-5 प्रश्न या 6-7 प्रश्न कराए हैं, तो आपके पास कितने प्रश्न हो गए हैं आपने कॉपी में लिख लिए हैं, इनको भी लिखिए, इनको याद कीजिए, इससे संबंधित मूल्यांकन भी हो सकता है आपका जब आप स्कूल आओगे, या टेस्ट भी हो सकता है, इसलिए आप काम जरूर करेंगे, याद जरूर करेंगे। और इनके अलावा जो भी प्रश्न उत्तर आपको किताब में मिलते हैं वो अलग से आप अन्य प्रश्न लिखकर करेंगे। क्या लिख के करोगे? अन्य प्रश्न आप अपने हिसाब से जो इसमें पूछा गया है वो आप कॉपी में लिखकर करोगे, अन्य प्रश्न उत्तर।
तो ये आप अपनी किताब में से देख के करोगे, बाकी सारे प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में उतार के याद जरूर करेंगे। पार्ट दो हमारा पूरा हो गया है, अब हम पार्ट दो के जो भी प्रश्न उत्तर हैं वो आपको कॉपी में करने हैं और आपको याद भी करने हैं।